योगी सरकार की अगर बात करें तो योगी सरकार की सख्ती के चलते सबसे ज्यादा असर कानून व्यवस्था पर नजर आने लगा है। प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, सभी पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ गई है। इसके चलते उत्तर प्रदेश में सभी सुरक्षा के चाक चौबंद रखने की कोशिश की जा रही है। योगी के सत्ता में आते ही कई पुलिसकर्मी और अफसर सस्पेंड हो चुके हैं। वहीं ताजनगरी की बात की जाए तो यहाँ आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईजी ने बदमाशों से साठगांठ के चलते 8 जिलों के 118 पुलिस वालों को हटाने के आदेश दिए हैं। कहा जा रहा है कि आईजी को खबर मिली थी कि कुछ पुलिस वालों की बदमाशों से साठगांठ है और इसी के चलते उन्होंने तत्काल ये फैसला लिया। इस कार्रवाई को काफी बड़े स्तर का माना जा रहा है। हटाए गए पुलिसकर्मियों में 10 इंस्पेक्टर और 20 सब इंस्पेक्टर शामिल है। वहीं अब बताया ये भी जा रहा है कि योगी सरकार जल्द ही करप्ट अफसरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर देगी। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 217 अधिकारियों के कामकाज की सूची तैयार की है। इन अधिकारियों के कार्यों का हिसाब किताब भी लिया जा सकेगा। आगरा जोन में अवैध खनन, तस्करी, गौकशों और माफियाओं का जोर है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद से कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि कानून को हाथ में लेने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में पुलिस की छवि सुधारने के लिए ये एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। हमारे अंदर ऐसे तत्व हैं जिनके अपराधियों से साठगांठ है, जिनका अपराधियों के साथ मेल जोल है। ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई करने का, चिन्हित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्द ऐसे सभी लोगों को लार्ज स्केल व्यापक रूप से उनका अपने अपने इलाकों से, अपने अपने असर वाले इलाकों से ट्रांसफ़र किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि ये स्पष्ट मैसेज सभी को चला जाए कि सही काम करना है। और उसके अलावा और जो आपत्तिजनक कार्य कर अगर रहे हैं कोई लोग, तो उनके खिलाफ सख्ती करी जाएगी।